नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। विकास दुबे, ये नाम आपको याद होगा। कानपुर में जिस तरीके से ये विकास दुबे निकलकर सामने आया था, पुलिस वालों को इसने मारा था और फिर इसका जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ था और पूरा ये जो फिल्मी ड्रामा था, इसने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। खबर है कि इसको लेकर एक किताब लिखी जा रही है और साथ ही साथ इस कहानी पर अब फिल्म भी बनने जा रही है। और इन सब को लेकर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने आपत्ति जाहिर की है और साथ ही साथ किताब के लेखक और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कानूनी नोटिस भेजा है। ऋचा दुबे का कहना है कि इससे परिवार की छवि धूमिल होगी और कहानी को कहानी के तौर पर नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उसको मसालेदार तरीके से परोसा जाएगा, जिससे आने वाले वक्त में पूरे परिवार का इस समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, ये ऋचा दुबे ने कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो कानूनी नोटिस उन्होंने भेजा है, अगर उसका जवाब किताब के लेखक और जो भी इस पर फिल्म बनाने वाले हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर वो आगे और भी ज्यादा कार्रवाई कर सकती हैं और कहीं ना कहीं वो आगे भी इसको लेकर मतलब कि सजग रहने वाली है। कुल मिलाकर एक तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक परिवार की अनुमति नहीं होगी तब तक विकास दुबे की जिंदगी पर फिल्म नहीं बनेगी। ऋचा दुबे ने उन सभी आरोपों को भी खारिज किया है जिसमें ये कहा जा रहा था कि परिवार को 50 लाख रुपए दिए गए हैं और उसके बाद उनसे अनुमति ली गई है और फिर किताब लिखी जा रही है और फिर उस किताब पर फिल्म बनेगी। इन सभी आरोपों को भी दरकिनार किया है ऋचा दुबे ने और कहा है कि ये जो टाइटल रखा गया है फिल्म का हनक, ये जो किताब का टाइटल रखा गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। हमने किसी से किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया है, किसी को अनुमति नहीं दी है। तो मैं पर्सनल लेवल पर ये चाहती हूँ कि भाई मेरे पति और मेरे पूरे परिवार को लेकर कोई फिल्म ना बने। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही हनक नाम की एक फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है जिसको लेकर ही ये पूरा विवाद गरमाया है और ऋचा दुबे एकदम से फ्रंट में आई है। उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, अब आप उस पर फिल्म बनाकर उसको भुना नहीं सकते हैं क्योंकि उससे समाज में हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। बता दें आपको, विकास दुबे जिस पर की आरोप लगे थे कि उसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था, आपको याद होगा कानपुर में कितना बड़ा वो कांड हुआ था और उस वक्त ये भी खबरें सामने आई थी कि विकास दुबे जहां पर मौजूद था, जब पुलिस वाले वहां पर रेड करने के लिए पहुंचे तो उसको पहले से ही सूचित कर दिया गया था और कई ऐसे पुलिस वाले थे जिनके वो कॉन्टैक्ट में था। जब उसका एनकाउंटर हुआ था, कहा तो ये भी जाने लगा था कि अच्छा हुआ उसका एनकाउंटर हुआ, नहीं तो बहुत सारे पुलिस वालों की और अधिकारियों की पोल खुल सकती थी। तो ये जो बिल्कुल ड्रामा था, ये आपको अमूमन अनुराग कश्यप की फिल्मों में देखने को मिलता है। तो इसी को लेकर फिल्म और किताब की खबर सामने आ रही थी जिसको लेकर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने आपत्ति जाहिर की है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।